कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और वेलकम है आप सभी का मॉर्निंग की इस वीडियो में, जहां हम बात करते हैं मार्केट की, बिटकॉइन की, क्या हाल चल रहे हैं, क्या सिचुएशन चल रही है। बात करेंगे मार्केट की, लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। अगर मार्केट की बात करें, बिटकॉइन की बात कर लें, तो बिटकॉइन अभी जो है 30,200 के ऊपर टिका हुआ है। अगर आप देखोगे, एक फ्लक्चुएशन 30,000 से 30,200 तक आया है, लेकिन ये फ्लक्चुएशन सिर्फ और सिर्फ एक गेम है लिक्विडेशन का। जी हाँ, अगर 100-200 डॉलर का पंप डंप बिटकॉइन में एकदम से आता है, तो वो सिर्फ एक गेम होता है लिक्विडेशन का। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लिक्विडेशन जो हाई लेवरेज पे लगे होते हैं बिटकॉइन के अंदर, जो हाई लेवरेज यानी अगर मैं बात करूँ 125x की लेवरेज लेके रखते हैं, 200x की लेवरेज लेके रखते हैं, तो ये 100-200 डॉलर का बिटकॉइन पंप डंप क्या करता है, इनका सफाया कर देता है ना। तो इनका लिक्विडेशन करने के लिए बिटकॉइन जो है, ये छोटे मोटे 100-200 डॉलर के एकदम से पंप डंप आपको देखने को मिलते हैं। और अगर सही डायरेक्शन में ट्रेड लगा हो तो भैया पैसा डबल भी हो जाता है। 100-200 डॉलर अगर बिटकॉइन सही डायरेक्शन में पंप कर दे या डंप कर दे, आपकी ट्रेड अगर इतनी लेवरेज से सही डायरेक्शन में लगी है, तो फिर आपको पैसा डबल भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन हम आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि आप इतनी लेवरेज लो और ट्रेड करो, बिल्कुल भी नहीं। इतनी लेवरेज लेके सिर्फ और सिर्फ आपको चांसेस ज़्यादा यही हैं, अगर आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट नहीं हो तो आपके चांसेस यही हैं कि आपका सफाया चुटकियों में कर देगा बिटकॉइन। इतनी ज़्यादा अगर ट्रेड लोगे तो आपको कहीं ना कहीं लॉस ही मिल सकता है। तो अभी 30,200 पे आ चुके हैं, और अगर हम यहाँ पे बात करें बिटकॉइन के डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, अगर कल आप देखो यहाँ पे, अभी भी सिचुएशन जो है बिटकॉइन की, कहीं ना कहीं हम अगर देखें तो 31,000 की जो रेंज है और 29,500 डॉलर से ऊपर बनी हुई है। क्योंकि कल बिटकॉइन ने, अगर आज हम मॉर्निंग की बात कर ले, तो 29,700 डॉलर भी हिट किया है बिटकॉइन ने। ये जैसे मॉर्निंग में 5:30 AM के ऊपर जैसे ही डेली क्लोजिंग हुई, और अगर मैं इसकी डेली क्लोजिंग की बात करूं बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन ने जो डेली क्लोजिंग दिया है हमको, वो यहाँ पे दी है तकरीबन तकरीबन अगर मैं बात करूँ 29,998 के ऊपर। लो लगाया है 29,700 का, तो 29,900 पे जो है डेली क्लोजिंग दी है। लेकिन हमको अभी जो फ़िलहाल है, एक कैंडल का यहाँ पे वेट करना है, और वो कैंडल है ये 3 दिन वाली कैंडल। इस कैंडल की क्लोजिंग का हमको वेट करना है यहाँ पे। अगर आप ये कैंडल देखोगे तो ये कैंडल आई है 5 जुलाई को, और कल है 8 जुलाई की मॉर्निंग, और कल ये कैंडल क्लोजिंग देने वाली है। इस कैंडल का वेट करना बहुत ज़रूरी है कि ये कैंडल कहाँ पे हमको क्लोजिंग देती है, ठीक है। क्योंकि 3 दिन की ये कैंडल है, उसके बाद टाइम आ जाएगा वीकली क्लोजिंग का। क्योंकि क्लोजिंग मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती हैं, क्लोजिंग को देखना समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज फिलहाल में भी आपको 31,000 का लेवल में भी शायद देखने को ना मिले, लेकिन ये क्लोजिंग डिपेंड करती है कितने पे बिटकॉइन देता है, उसी हिसाब से हम कल का यहाँ पे दिन देखने को मिलेगा, क्योंकि कल मॉर्निंग में ही इसकी क्लोजिंग होने वाली है। तो थोड़ा सा वेट करें, और अभी फ़िलहाल 30,000 पे लेवल बिटकॉइन के टिके हुए हैं। लेकिन कल जो गेम हुआ है, उसकी वजह से लॉन्ग शॉर्ट वालों की अच्छी बैंड बजाई है बिटकॉइन ने। पहले आप देखो, शॉर्ट वालों की अच्छी बैंड बजाई, 31,500 का हाई लगाया, उसके बाद 29,700 डॉलर। तो ये इतना बड़ा डंप था, अगर आप देखो अच्छी खासी लॉन्ग्स वालों की पोजीशन लिक्विडेट की बिटकॉइन ने, वो भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे मार्केट के अंदर सभी कॉइन्स की कॉपी, आप समझ लीजिए एक तरह से, क्योंकि असली तो असली होता है, नकली नकली होता है। 2.0 जितने भी कॉइन्स आ रहे हैं, चाहे पेपे 2.0 ने शुरुआत कर दी कहीं ना कहीं, उसके बाद शिबा इनू का भी 2.0 आ चुका है। शिबा इनू की करंट मार्केट कैप आज की डेट में $4 बिलियन से भी ऊपर की है, और इसकी करंट मार्केट कैप 1.8 मिलियन डॉलर की हो गई है। इसके अलावा अगर हम बाकी मीम कॉइन देखें या बाकी कॉइन्स देखें, हो सकता है बिटगर्ड 2.0 आपको देखने को मिल जाए, बेबी डॉज कॉइन 2.0 देखने को मिल जाए, फ्लॉकी इनू 2.0 देखने को मिल जाए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई भी यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है इन कॉइन्स के लिए, और असली तो भैया असली होता है, नकली चाहे कितने ही कॉइन क्यों ना आ जाएं,
वो कभी असली बन नहीं सकते, ठीक है। और टाइम बताएगा कि ये 2.0 की जो पूरी फौज आ रही है धीरे धीरे, ये मार्केट के अंदर क्या करेगी, कुछ करेगी या नहीं करेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाइनेंस को लेके। बाइनेंस को लेके आपको पता है मार्केट में काफ़ी टाइम से फंड टाइम टाइम पे आते रहते हैं, फैलते रहते हैं, लेकिन अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, इन फंड के बावजूद भी बाइनेंस पे एक अच्छा वॉल्यूम आता है। नो डाउट इन फंड का नेगेटिव इम्पैक्ट बाइनेंस के खुद के BUSD स्टेबल कॉइन पे भी पड़ा, BNB भी पड़ा है, ठीक है, नो डाउट। लेकिन $2 बिलियन इनफ्लो इन 24 आवर और ऑन बाइनेंस आफ्टर द फंड इज इनसेन। तो फंड के बाद भी अगर किसी एक्सचेंज में, नंबर वन एक्सचेंज में बिलियंस ऑफ डॉलर आ रहे हैं, ये 2 बिलियन एक तरह से आप समझ लीजिए अरबों रुपया, एंड यू कैन चेक द लाइव स्टेटस हेयर। और आप देखोगे यहाँ पे तो पिछले 24 घंटे के अंदर हम बात करें बाइनेंस की, तो बाइनेंस के अंदर यहाँ पे इनफ्लो अगर आप देखो 24 घंटे का कितना है, तकरीबन 2 बिलियन डॉलर का, और ये पिछले 7 डेज का इनफ्लो है बाइनेंस पे। तो बिल्कुल जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि पूरी 2.0 की फौज आ रही है, और बिल्कुल ये 2.0 की जो फौज है, टॉप क्रिप्टो गेनर ऑन डेक्स टूल की अगर बात करें, वहाँ पे ये सभी टॉप गेनर चल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से पेपे 2.0 ने अच्छा गेन दिखाया है, इसके बाद शिवा इनू 2.0 भी आ चुका है, और फ्लोकी इनू 2.0 भी वहाँ पे टॉप गेनर में हमको देखने को मिल रहा है। तो टॉप ये अगर हम देखें 2.0 की जो फौज है एक साथ आ रही है, अगर आप देखो एक साथ सभी के 2.0 कॉइन आ रहे हैं। और थोड़ा सा अवेयर रहिए, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सभी कॉइन्स अच्छा परफॉर्म करें, कहीं ना कहीं बहुत रिस्क होता है न्यू क्रिप्टोस के अंदर। नेक्स्ट अपडेट है एप्टोस की तरफ से। एप्टोस फाउंडेशन ट्विटर अकाउंट हैक टू प्रमोट फेक एयरड्रॉप। बहुत सारे आपने ऐसे सीन पहले भी देखे होंगे जिसके अंदर ट्विटर अकाउंट हैक हो जाता है और फेक एयरड्रॉप प्रमोट किए जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है यहाँ पे एप्टोस फाउंडेशन के ट्विटर अकाउंट के साथ, और हैक होने के बाद यहाँ भी प्रमोट किया गया है फेक एयरड्रॉप, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे ई कैश के बारे में। ई कैश की अगर मैं बात करूँ, आपने देखा काफ़ी अच्छा पंप हुआ ई कैश, और 5 दिन हो गए अच्छा खासा, थोड़ा सा डंप भी हमने देखा, लेकिन कल से अगर हम देखें तो ई कैश में एक जंप लगा है, और ये जंप लगा है अगर आप यहाँ पे लो देखोगे तो 0.4x 0.30 के लेवल से हाई गया है आज इसका, तकरीबन 39 का, 30 से लेके 39 तक का हाई गया है। कल भी ये 20% पंप हो रहा था, आज भी 10% हो रहा है, तो कल से लेके अब तक 30% प्राइस फिर से बढ़े हैं यहाँ पे XECEcash के। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे लूपरिंग को लेके। हम पहले भी अपडेट कर चुके हैं और तैयार रहिए, कुछ ना कुछ यहाँ पे लूपरिंग को लेके होने वाला है। और इस ट्रेलर की जहाँ तक बात करें, सी यू नेक्स्ट वीक 30 जून का पोस्ट किया है, और इट्स टाइम टू पुश द बाउंड्रीज ऑफ स्केलिंग। तो स्केलिंग को लेके यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ देखने को मिलने वाला है ना, और तैयार रहिए लूपरिंग को लेके, थोड़ा सा ध्यान रखिए। नेक्स्ट अपडेट है हेडेरा को लेके। हेडेरा हैश ग्राफ, जिसको आप HBAR भी बोल सकते हो, और इनका जो है एक हेडेरा मैनेट V0.39 जो है आने वाला है, अपग्रेड होने वाला है, ये होगा 11 जुलाई को। 11 जुलाई की डेट आप नोट कर लो हेडेरा के लिए, इनका जो एक अपग्रेड है वो होने वाला है 11 जुलाई को। नेक्स्ट अपडेट है कावा को ले। कावा 14 आने वाला है जल्दी ही 12 जुलाई को, थोड़ा सा कावा के ऊपर भी ध्यान रखिएगा। 12 जुलाई की जो डेट है वो कावा 14 की लॉन्च डेट। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है इंजेक्टिव और एटम को लेके। INJ और एटम कॉइन मार्केट के अंदर, और इन दोनों का जो है एक मीटअप होने वाला है, और ये होगा 12 जुलाई को। जी हाँ, इंजेक्टिव और कॉस्मोस एटम मीटअप, और ये चलने वाला है 12 जुलाई को 6 to 8 PM UTC, ठीक है, बर्लिन के अंदर। तो देखते हैं क्या कुछ निकलता है इस मीटअप के अंदर इन दोनों कॉइन्स को लेके, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।